अभी कुछ बात करेंगे सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के हवाले से, जिनके खिलाफ जाली बयान हल्फी जमा कराने पर इस दरख्वास्त दायर कर दिया गया है। इस दरख्वास्त की कॉपी सिर्फ लाहौर न्यूज़ पर आप देख भी सकते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे नुमान नूर से। नुमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान वहाँ पर जाली बयान हल्फी जमा करवाने पर इस्तगासा दायर कर दिया गया है। जिला कचहरी में ये इस्तगासा दायर किया गया। इस्तगासा की कापी सिर्फ और सिर्फ लाहौर न्यूज पर है और कागजात नामजदगी में जो है इन पर इल्जाम लगाया गया है। जो है इलेक्शन कमीशन की जानब से रीजनल इलेक्शन कमीशन ने सीनियर वजीर अर्जुन अलीम खान के खिलाफ जो है इस्तगासा दायर किया है। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया है कि अब्दुल अलीम खान ने कागजात नामजदगी में जाली बयान हल्फी जो है वो लफ किए हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक इसमें जो है वो 11 अक्टूबर 2015 को अलीम खान ने हल्का एन ए 122 की नशिस्त पर दिल्ली इंतखाबात जो है वो हार गए थे। ठीक है नुमान नूर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।